सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है ड्रैग स्टार गेमिंग की कौन है वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो मतलब पीछे जो मेंटेन चल रहा है उससे तो देख लिया होगा कि आज का वीडियो एमपी के ऊपर होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि MP40 से बहुत इजीली ड्रैग हेडशॉट कैसे मारे जाते हैं और इससे आप एकदम ही मतलब सारी गोलियां हेड पे कैसे मार सकते हो, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बहुत इजी ट्रिक होने वाली है, बस कुछ जो मैं स्टेप्स इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, फिर आप बहुत इजीली जो है एमपी से ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि यार बहुत से बंदे यहाँ पे शॉटगन यूज़र होंगे, दो गोली वाले शॉटगन चलाते होंगे या M1014 चलाते होंगे, तो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा क्योंकि एमपी का जो हेडशॉट रहता है ना, अगर एमपी से आप हेडशॉट मारना सीख जाओगे ना तो सारी एयर गनों से भी आप हेडशॉट मार सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कह देता हूँ गाइज़, आपको जो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो भाइयों, हम सबसे पहले करेंगे थोड़ी सेटिंग्स में चेंज, क्योंकि सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हेडशॉट्स के लिए। तो कुछ सेटिंग्स में चेंज करते हैं। सबसे पहले जाएंगे कस्टम HUD पे। तो कस्टम HUD में क्या चेंज करना, सबसे पहले आपका फायर बटन। तो आपके फायर बटन का जो साइज़ रहता है ना गाइस, एकदम ही बड़ा करके मत रख लेना गाइस, 100 पे ही कर लो, तो ये बॉसों का रहता है। आपको अपना फायर बटन का साइज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 40 से लेकर मतलब 40-50 के बीच में रखना है। इससे आपके हेडशॉट देने के जो चांसेस रहेंगे ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप ज़्यादा थोड़ा सा भी ड्रैग करोगे ना तो उसमें में सामने वाले एनिमी को हेडशॉट लग जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई। अब जंप वाला बटन, तो जंप वाला बटन भी बहुत मेन होता है क्योंकि आपको ये बहुत मूवमेंट करने में फ़ायदा मिलेगा। तो आपको इस जंप वाले बटन को जो आपका फायर बटन रहता है ना उसके एकदम पास में रखना है, कहीं भी रख सकते हो, बस थोड़ा पास पर रखना है जिससे आपकी जो मूवमेंट रहेगी जंप करके, क्योंकि जंप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको ये दौड़ने वाला बटन रहता है ना, मतलब स्प्लिन करने वाला बटन, इसको भी आप पास में रखना है। उसके बाद मूवमेंट वाला जो बटन रहता है ना गाइस, इसका साइज़ आपको रखना है, मतलब आपका इसका साइज़ जितना हो सके कम रखना है, आपको 20 से 25 के बीच में इसका साइज़ रखना है क्योंकि ये आपके मूवमेंट को कंट्रोल करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मतलब MP से हेडशॉट मारने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गए आप सेटिंग में। अब आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके धमाल मचाना है। तो किस तरीके से मारेंगे, चलो रुक जाओ जरा, एक सेंसिटिविटी और नहीं बताई मैंने गाइस, सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो सेंसिटिविटी आपको जितनी हो सके ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे मैं 97 रखता हूँ, इसके पता नहीं क्या रीज़न है, बट मैं, मेरे को पसंद है 97 नंबर, तो इसलिए रखता हूँ। तो ये हो गई सेंसिटिविटी की बात। तो अब बात करते हैं कि ड्रैग हेडशॉट की किस तरीके की स्टेप्स को फॉलो करके आप ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। तो सबसे पहले जो मतलब आता है, तो सबसे पहले आपको जो एम को है ना रेड करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है कि आपको एम को रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वन टैप में जो है हम रेंज मतलब वो क्या बोलते हैं अपना एम जो रहता है ना, इसको रेड नहीं करते, इसको ऐसे ही रोटेट करके ड्रैग मार देते हैं तो पड़ जाता है वन टैप। बट यहाँ पे MP में जो है रहता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है MP की, अगर आप एम को रेड नहीं करोगे ना तो यहाँ पे हेड नहीं पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे रेंज डिस्टेंस, मतलब रेंज वाला फैक्टर, डिस्टेंस जितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे रखना है तभी जाके आपके हेडशॉट पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमेशा गाइस, अगर आप MP चला रहे हो तो आपके एकदम शॉर्ट रेंज में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं हेडशॉट, वैसे गलती से टुक्के उक्के से पड़ जाएंगे, बट ऐसे नहीं पड़ेंगे कि मतलब हर आप जो ड्रैग कर रहे हो तो आपका चेस्ट से लेकर एम हेड पे आ गया शॉर्ट रेंज में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको एक डिसेंट सा मतलब जो क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस को कवर, मतलब डिस्टेंस रखना पड़ेगा आपके और एनिमी के बीच में, खासकर जब एनिमी के पास शॉटगन वगैरह हो ना तो आपको डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस इनफ रहता है और यहाँ पे इजीली इस डिस्टेंस में हेड लगेंगे। और अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यार कितना ड्रैग करना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा ड्रैग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती, अगर आप जो है 5 से 10 मीटर की रेंज में है तो यहाँ पे आपको कितना ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, बस इतना ड्रैग करना है जितना मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखा रहा हूँ ना, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे ये एरो बना रहा है, इतना आपको ड्रैग करना है और इजीली आपका हेड लग जाएगा। और ड्रैग भी ये नहीं कि आपको इतना ही करना है, आपकी रेंज पे डिपेंड करता है यार। रेंज अगर ज़्यादा है तो आपको कम ड्रैग करना है, और रेंज अगर थोड़ी सी कम है तो आपको ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा तभी जाके हेड लगेंगे। समझ रहे हो गए?
कि जितनी ज़्यादा अगर रेंज है मतलब एनिमी जितनी ज़्यादा आपसे दूर है तो आपको उतना कम ड्रैग करना कम ही ड्रैग करना है, क्योंकि वरना एम जो है उसका हेड का पार करके ऊपर चला जाएगा और एनिमी जितना आपके पास है उतना ही ज़्यादा आपको ड्रैग करना पड़ेगा, तभी जाके जो है एम ऊपर को हेड के ओर जाएगा उसका। तो ये समझ गए होंगे कितना ड्रैग करना है। उसके बाद गाइस स्किन बता देता हूँ मैं, तो स्किन से भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि स्किन से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं विदाउट स्किन भी खेल रहा हूँ देखो, तो मेरे पे ज़्यादा कोई स्किन नहीं है इसकी, एक डबल रेट ऑफ़ फायर वाली है गाइस, डबल रेट ऑफ़ फायर से बल्कि हेड शॉट कम हो जाते हैं हेड शॉट का रेट, वो स्किन इतनी मेरे को अच्छी नहीं लगती हेड शॉट के मामले में, बट वो उसका रेट ऑफ़ फायर ज़्यादा है तो बॉडी से ही ईजिली बंदा मर जाता है, तो वो वाली स्किन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। विदाउट स्किन भी ठीक ठाक ही लगते हैं, हेड ज़्यादा भी नहीं लगेंगे। इसकी एक स्किन आती है गाइस जो मतलब पर्पल कलर की होती है, यहाँ पर मैकेनिकल MP40 नाम है उसका, तो वो जो स्किन रहती है उसमें एक रेंज प्लस रहती है, आपको पता ही होगा, तो वो रेंज जब उसमें प्लस रहती है ना गाइस, तो उसका हेडशॉट रेट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब उससे बहुत इजीली हेडशॉट पड़ते हैं, वो स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें डबल डैमेज अलग से है तो 143 का शायद हेडशॉट लगता है उसमें और 26 का शायद बॉडी शॉट लगता है, तो बहुत ओपी स्किन है। अगर आपको मतलब डायमंड्स हैं तो वाली स्किन के क्रेट ज़रूर लेना, और वाली स्किन को लेने के बाद ना मतलब आपकी आप अलग ही लेवल की MP चलाओगे, मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार वो MP में और नॉर्मल MP में। तो ठीक है गाइस, तो ये हो गई अब इसकी बात, अब बात करते हैं थोड़ा सा गाइस मूवमेंट के बारे में। तो गाइस जितना हो सके गाइस आपको मूवमेंट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा यहाँ पे, जितना हो सके आपको जंप वाले बटन का यूज़ करके ही अगर आप फायर करते हो यहाँ पे तो आपके हेडशॉट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और ख़ासकर मतलब ज़्यादा आपको स्प्रे भी नहीं करना, मतलब जितनी हो सके 10 से 15 बुलेट ही एक बार में फायर करनी है MP का स्प्रे, बस इतना ही करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करने जाओगे तो आपका जो एम रहेगा ना, जो बीच का क्रॉस एयर, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी एक भी गोली जो है एनिमी को कनेक्ट नहीं होगी। तो 10 से 15 गोली फायर करने के बाद आपको जो रन वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि आप जो है अच्छा मूवमेंट कर पाओ और ईजिली बाद में जाके एनिमी को मार पाओ। तो यही बातें थी कुछ, और इनको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप एकदम गॉड लेवल की MP40 चलाना सीख जाओगे। बस ये बेसिक सी बातें थी यार, इनको आपको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा कि यार मेनली जो डिस्टेंस वाला रेंज आता है ना, कि यार रेंज बनानी पड़ेगी, वो बहुत मेन देता है, और कितना आपको ड्रैग करना है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना गाइस उतना आपको समझ में आएगा कि यार कितना ड्रैग करना पड़ता है, कितने डिस्टेंस पर कितना ड्रैग करना है और कितने हेड लगेंगे। तो ठीक है गाइस, तो होप्स हो कि यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलूंगा।